सोलन में चलने वाले सभी व्यवसायों पर कोरोना का साया पड़ चुका है। अधिकांश व्यवसाय बंद पड़े हैं, तो जो चंद व्यवसाय जैसे होटल ढाबे चल भी रहे हैं, उन्हें चलाने वाले व्यवसायियों का अब हौसला भी टूटने लगा है, क्योंकि लोग कोरोना के चलते बेहद डर चुके हैं और अपने घरों से बेहद कम निकल रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन ऑर्डर भी बेहद कम दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से होटल ढाबों के व्यवसायियों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। व्यवसायियों के माथे पर चिंता की लकीर पड़ने लगी है। कोरोना संक्रमण जल्द ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में ये व्यवसायी अपने व्यवसाय को बदलने की भी सोच रहे हैं। सोलन में रेस्टोरेंट चला रहे जतिन सहनी से जब उनके व्यवसाय के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि उनका व्यवसाय बेहद कम हो चुका है। जो आमदनी हो रही है, उससे कर्मचारियों का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालत रहती है तो उन्हें या तो अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा या कोई अन्य व्यवसाय देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय केवल तभी तक बच सकता है अगर प्रदेश सरकार उन्हें कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाए। इस कोविड टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, वो हमारे कार्य के या हमारे काम संबंधित बिजनेस के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो वो इस टाइम पे 10% से 15% रह गया। इस टाइम पे ना तो टेकअवेज है और ना ही हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन है कि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में बिठा के किसी को भी खाना खिला सकते। इससे जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे पास एक नॉर्मल रूटीन में स्टाफ जो काम करता है वो कम से कम 10 से 12 होता है, वो सारा स्टाफ जो है उनकी सैलरीज का बर्डन प्लस उनके जो एक्सपेंडिचर्स है, उनको खाना खिलाने का या उनको ठहराने का जो हम उनको प्रोविजन देते हैं, वो सारा का सारा कुल मिला के वो हमारे को एक बहुत बड़े लॉस की तरफ ले जा रहा है। और हमारा बिजनेस जो है 10-15% की रिकवरी अगर हम देखा जाए तो हम ये सब खर्चे नहीं निकाल पाएंगे। अगर आने वाले हाल में यही हाल चलता रहा तो हो सकता है कि हमारे को कुछ 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए शटडाउन करना पड़े। होम डिलीवरी या ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू अगर हम देखे जाएं तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। अगर दिन के 10-15 ऑर्डर होम डिलीवरी या ऑन डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी में निकल रहे हैं तो वो हमारे जो खर्चों को पूरा नहीं कर सकते। पहले कम से कम हम जो थे दिन के कम से कम 20,000 तक की सेल में गुजारा कर लेते थे, अब जो है सेल वो 2,000-1,500 इतनी ही रही है। जो अगर हम देखें 2,000 में तो हमारा दूध का खर्चा, स्टाफ का खाने का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सब उसी में निपट जाता है। मुश्किल है सर इतनी है कि अब हमारे को सोचना पड़ रहा है कि या तो हमारे को कोई और साधन मिले या हमारे को सरकार से उल्टा उम्मीद है कि कुछ हमारे को वो लोन्स या सॉफ्ट हार्टेड लोन्स हमारे को ग्रांट करे ताकि इस इंडस्ट्री में हम सर्वाइव कर सकें और हमारे जितना भी हमारा स्टाफ है उनके लिए पालन पोषण का कुछ सोच सकें, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है या हमारे को अपना लास्टली व्यवसाय ना चेंज करना पड़े। सर जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हाईवेज में, नेशनल हाईवेज में जैसे जब से नाकाबंदी हमारे बॉर्डर्स में हो गई है तो जो बाहर से टूरिस्ट है वो भी बिल्कुल नामात्र ही आ रहा है। और हाईवेज में भी मेरे को लगता है कि शहर में जो सटे रेस्टोरेंट्स हैं उनका हाल हमसे भी ज़्यादा और ख़राब हो, क्योंकि जब गाड़ियाँ नहीं चलेगी, जब हाईवेज में ट्रैफिक नहीं होगा, जब टूरिस्ट नहीं होगा या वो घूमने के मूड से नहीं आएंगे तो वो खर्चा भी नहीं करेंगे। तो हाल तो मुझे लगता है नेशनल हाईवेज में ज़्यादा ख़राब है। हम शहर के बीच में बैठे हैं तो शहर में थोड़ा सा ये है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से या कोई ना कोई ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो घर से मंगा ही रहा है। हमारी जो पुरानी सेविंग्स हैं उसी के साथ हम गुजारा कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन से पहले थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया था, जो कुछ परसेंटेज पैसा सेव किया हुआ था, क्योंकि उम्मीद तो लग रही थी दूसरी वेव आएगी और दोबारा हाल ऐसा होगा, तो अभी उसी से चल रहा है गुजारा अब। लेकिन इस मंथ के बाद हमें फ्रॉम 1 जून हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चलें, क्या हमें खुलना है या हमें बंद होना है।